रात के लगभग 12:15 बज रहे हैं और मैं लाइव आया हूँ। अभी तक कोई ज्वाइन नहीं है, बट कोई ना, जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप वीडियो देख लेना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता था लेह लद्दाख के ट्रिप के बारे में। आप ने का बोझ है, मतलब हर एक की इच्छा होती है लेह लद्दाख ट्रिप करना, लाइफ में एक बार तो लेह लद्दाख ट्रिप करना। तो लेह लद्दाख जाना कैसे है? अगर आप खुद की गाड़ी से जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। जाने के लिए आपको कोई भी गाड़ी चल जाएगी, कोई भी, अल्टो भी जाएगी, इको भी जाएगी, नैनो भी जाएगी। इनफैक्ट हमारे एक मित्र है राजस्थान से, गोपीराम जी, वो अपनी फैमिली को लेकर के 4 पर्सन के साथ में लेह लद्दाख गए थे, नैनो के साथ में, और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रिप किया है। तो कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो आप। लेह लद्दाख जाने के लिए आप दिल्ली से होके चंडीगढ़, वाया मनाली, सरचू, जिस्पा, सरचू, केलोंग होते हुए ले पहुंच सकते हो। ये एक रास्ता हो गया, मैं प्रिफर करता हूँ यही रास्ता। दूसरा रास्ता है आप जम्मू, वाया जम्मू भी जा सकते हो, बट वो रास्ता मैं पर्सनली प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके रीजंस है। वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा जाम होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था उस टाइम पे। तो मैं पर्सनली प्रिफर नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता वो रोड जाने के लिए। ये जो रास्ता है थोड़ा एडवेंचरस है और अच्छा है। अच्छा मतलब इस टाइप का अच्छा नहीं है, आपको ऑफ रोडिंग का फीलिंग आएगा और मज़ा आ जाएगा इस रास्ते में। हालांकि वो रास्ता भी अच्छा है, बट वो जो एक पैच है टोटल, मतलब आप कारगिल के आगे जा कर के जो रास्ता लगता है ना, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी लेह लद्दाख जाने के प्रिकॉशंस और क्या क्या ले जाए साथ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिसिन। मेडिसिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपको वहाँ पे मोशन सिकनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, उल्टी जैसा फीलिंग आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। परमवीर सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक डायमॉक्स करके टैबलेट आती है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है छोटा वाला, लगभग 500-600 रुपए में मिल जाता है, तो आप वो परचेस कर सकते हो। मनाली में आपको कोई भी एक क्लिनिक में जा कर के या फिर मेडिकल शॉप में जा कर के आप उनसे पूछोगे कि हमें लद्दाख जाना है तो उसके लिए क्या मेडिसिन है, वहाँ पे हर किसी को पता होता है मेडिकल शॉप में भी, तो वो आपको अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि मनाली से बाहर आप जब निकलते हो तो राइट साइड में एक क्लिनिक है प्लस मेडिकल शॉप भी है। डॉक्टर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेडी डॉक्टर है, मेरे एक वीडियो में भी मैंने दिखाया है, तो मैं हमेशा वहीं से लेता हूँ। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और उनको पूछ लेना, बट आपकी हेल्थ का पूरा उनको बताना कि आपको क्या क्या इश्यूज़ है। अगर कोई बीपी पेशेंट है या फिर कोई शुगर पेशेंट है तो उसके हिसाब से भी वो मेडिसिन रिकमेंड करती है। तो एक बात तो वो है इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, मेडिसिन। दूसरी बात, ठंड के कपड़े, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कपड़े तो आप साथ में लेंगे। खाने पीने की चीज़ें, कैडबरी, शेक, जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें कैरी करो, फ्रूट्स कैरी करो और निकल जाओ, मज़े करो। पेट्रोल डीजल फुल करके निकलो मनाली से जब भी निकलोगे तो, और अगर गाड़ी का एवरेज कम है तो आपको जेरिकैन कैरी करना चाहिए। टू व्हीलर वाले जनरली जेरिकैन कैरी करते हैं, बट अगर आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देती है तो बड़ा जेरिकैन कैरी करो तो हो जाएगा। फिर आता है स्टे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप मनाली से लेह के लिए जब जाते हो ना तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पकड़ लो, तो 500 किलोमीटर जाने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है, मतलब 9-10 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। अब बीच में सीन सीनरी इतनी अच्छी है कि आपका मन करेगा कि रुक जाए, यहाँ पे देखे, ये देखे, वो देखे, सारी चीज़ें देखने देखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर वे मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पहले निकलो,
मनाली से अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जब भी आप निकलते हो मनाली से, तो आपको जिस्पा या केलोंग में आपको स्टे करना है। तो जिस्पा या केलोंग में, या फिर आप सरचू में भी स्टे कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत चीप रेट में होम स्टेज मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वहाँ तक आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद में आपको वहाँ से दूसरे दिन सुबह निकलना है। दूसरे दिन भी आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आते हैं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है ना, तो धूप की वजह से पानी में बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, और उससे होता क्या है कि वाटर क्रॉसिंग जो है वो बढ़ जाती है, और छोटी गाड़ियों के लिए दिक्कत हो सकती है। बट अभी रास्ते थोड़े अच्छे हो गए हैं, बट फिर भी ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, फिर शाम तक आप आराम से ले पहुंच जाते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट है मेरी तरफ से, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, कि भाई आप कब जा रहे हो लेह लद्दाख। तो बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ मैं भी लेह लद्दाख के लिए। गाड़ी प्रिपेयर है मेरी, और बस थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। आप देख सकते हो मेरा सेटअप वगैरह, घर चेंज हो गया है, तो थोड़ा उसमें मैं बिज़ी हूँ। तो एक बार ये सारा रूटीन सेट हो जाए, तो उसके बाद में मैं निकलूँगा सीधा लेह लद्दाख के लिए। तो हो सकता है कि इसके बाद मेरा पहला ट्रिप जो होगा वो लेह लद्दाख ही होगा, क्योंकि यार लेह लद्दाख एक ऐसी जगह है ना कि हर कोई जाना चाहता है, और मेरा तो मतलब बहुत मन है। मतलब साल में एक या दो बार तो लेह लद्दाख जाना ही जाना है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा एटमोसफियर है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। वहाँ पे आपको हर एक टेरेन का मज़ा ले सकते हो, हर एक क्लाइमेट का मज़ा ले सकते हो। बारिश भी होती है, धूप भी कड़ाके की होती है, बर्फ़ भी मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक्सपीरियंस करने मिलती है। तो बहुत खूबसूरत जगह है लेह लद्दाख, लाइफ में एक बार तो जाना ही चाहिए। और अगर इसके बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और बेल आइकॉन जो है नीचे घंटी उसको भी दबा दो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे हमेशा। और क्या खास है, और अगर आपको चाहिए तो गाड़ी जो है आप कोई भी गाड़ी से जा सकते हो। अब तो बस भी चालू है, बस जो है दिल्ली से भी निकलती है, दिल्ली से ले वाली बस है। बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो 1600-1700 रुपये में टिकट है उसका, दिल्ली टू ले की। तो बस का भी ऑप्शन है, बट पता नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बस का, बट करना चाहिए, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बट वहाँ पे जा कर के आपको अलग गाड़ी हायर करना पड़ेगा, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। एक्चुअली सीन ऐसा है कि वहाँ पे 6 महीने के लिए सिर्फ ये सारी चीज़ें जो है खुली होती है, बाकी की जो है ऑफ सीज़न होता है, वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं है। इसके लिए रेट बहुत हाई होता है वहाँ पे, खाने पीने का भी और ट्रैवलिंग का भी। तो सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होने वाला है ट्रैवलिंग में, और खाना तो बहुत अच्छा है, खाना आप भूल ही जाओ, मतलब बेस्ट है। थैंक यू अनुरुद्ध जी, थैंक यू फॉर कमेंट। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं लाइव, तो और इतनी लेट लाइव आने के लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा काम में फंसा हुआ हूँ। बट कोई ना, जल्दी आ जाऊँगा। और लेह लद्दाख में जनरली देखने के लिए मेन जो चीज़ें हैं वो 3 जगह है, जो फर्स्ट टाइम जाते मैं बोलूँगा कि उन्होंने ये 3 जगह देखे। सबसे पहला है क्या बोलते उसको, मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल एक देखने लायक जगह है। फिर आता है संगम। मैग्नेटिक हिल के आगे जाते हो तो संगम आएगा। रास्ते में मैग्नेटिक हिल जाते जाते आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारा मिलेगा, वो भी बहुत अच्छी जगह है। फिर आपको मिलेगा वॉर म्यूज़ियम मिलेगा, वो भी अच्छी जगह है, वहाँ पे भी जाओ। अपने इंडियन जवान क्या है कैसे आपको सब पता चलेगा। ओमकार भाव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो एक हो गया, एक दिन आपका लोकल में हो गया। एक और सजेशन है मेरा, जैसे ही आप लेह लद्दाख अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो लेह लद्दाख पहुँचने के बाद में आप फ्लाइट से जाओ या फिर कार से जाओ, एक दिन एटलीस्ट 12 आवर्स तक आप वहीं पे जो रूम लिया है वहीं पे स्टे करो। मतलब कहीं भी बाहर मत निकलो,
आराम करो, रेस्ट करो, ताकि आपका जो बॉडी है वो उस एटमोसफियर से, उस हाई एल्टीट्यूड से मैच कर जाए। ये हर कोई रिकमेंड करेगा आपको, डॉक्टर भी रिकमेंड करेगा, क्योंकि वो अल्टीट्यूड पे मैच करने के बाद में आप वहाँ पे आराम से घूम सकते हो, आपको मोशन सिकनेस कम हो जाएगी और सारी चीज़ें आपके काबू में हो जाएगी। तो वो एक चीज़ है। पहला दिन आप जो है पहुँचने के बाद रेस्ट करो, दूसरे दिन आप निकलो, लोकल साइट सीइंग कर लो। वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, मैग्नेटिक हिल है, संगम है, और पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, आप फुंगसुक वांगडू जो है रैंचो स्कूल वो देख सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। फिर उसके बाद आप दूसरे दिन का प्लान करो, दूसरे दिन आप चले जाओ नूबरा, नूबरा वैली जो है खारडुंगला, फिर आता है नूबरा। तो खारडुंगला जाने के लिए अभी आपको पास लेके रखो, मैं मतलब अभी अलाउड तो नहीं, अभी है नहीं ऐसे पास की ज़रूरत, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आप पास ले लो, क्योंकि कुछ जगह है, कुछ पासेस ऐसी है कि वहाँ पे आपको मांगते हैं, चेक पोस्ट पे पास मांगते हैं। तो अगर आपके नहीं है पास तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा, आपका ट्रिप मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप पास वगैरह ये सारी चीज़ें ना आप पहले से ही आपके पास रखो। तो ये एक चीज़ हो गई। आप जब दूसरे दिन नूबरा के लिए निकलो, तो आप तभी भी अर्ली मॉर्निंग निकलो, 6-7 बजे निकलते हो तो आप मैक्सिमम 9 बजे तक खारडुंगला पास पहुंच जाते हो, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खारडुंगला पे, और बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पे रश होती है। हमने भी बहुत टाइम लगा दिया था वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए, एक फ़ोटो के लिए हमें बहुत लाइन लगानी पड़ी थी। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद में आप खारडुंगला से सीधा नूबरा जा सकते हो, नूबरा में आपको स्टे करना है। और अनुपम जी आ गए, हाय ब्रो, क्या स्विफ्ट लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर, मैं अपनी स्विफ्ट 3-4 बार लेके जा चुका हूँ और कोई दिक्कत नहीं आती, बस आपको स्लो और आराम से चलाना है गाड़ी को। ऐसे नहीं है कि अपना इधर का टैलेंट जो है फ्लैट रोड वाला टैलेंट वहाँ पे पहाड़ों में नहीं चलता है, तो उस हिसाब से पहाड़ों की रिस्पेक्ट करो, नेचर की रिस्पेक्ट करो और बिंदास चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नूबरा के स्टे के बाद आप चाहो तो उसी दिन आप अगर जल्दी पहुँचते हो 4-4:30 बजे, तो आप आगे भी जा सकते हो, तुरतुक विलेज है, लास्ट विलेज है, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर दिखता है, बट वहाँ पे स्टे का सीन थोड़ा मतलब इतना है नहीं वहाँ पे अवेलेबिलिटी, बट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल तो जाएगा वहाँ पे स्टे। और अगर नहीं जाना हुआ तो आप दूसरे दिन जा सकते हो तुरतुक विलेज। वहाँ पे जाने के बाद में एक आर्मी चेक पोस्ट पड़ता है, पहले 5 किलोमीटर पहले एक आर्मी चेक पोस्ट है, फिर वहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ता है, आपका आधार कार्ड वहाँ पे जमा करना पड़ता है, और आने के बाद में आपको वहाँ से कलेक्ट करना होता है। तुरतुक विलेज बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे वहाँ से सीधा आपको जो बॉर्डर लाइन है वो दिखती है। फिर आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन भी आपको नूबरा में अगर स्टे करना है, क्योंकि नूबरा जो है वो बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत है, पहाड़ है रेत के, और वहाँ पे आपको कैमल राइड, कैमल सफारी, डेजर्ट सफारी वगैरह वगैरह वो भी मिलते हैं करने के लिए। जब आप खारडुंगला से नूबरा जाते हो तो आपको बीच में वो जो बग्गी राइड होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो भी मिल जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। 1,000-1,500 रुपये उसका रेट है पर पर्सन का, एक गाड़ी पे एक ही बंदा जाता है और घुमा के वो सैंड ड्यून्स में लेके जाते हो, घुमा के लेके आते हो वापस। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर आप वहाँ से निकलते हो नूबरा से, तो सेम वही स्ट्रेटजी अपनाना है, अर्ली मॉर्निंग निकलना है। जितना जल्दी आप निकलोगे नूबरा से या फिर कहीं से भी, तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि बाद में जो है वो धूप निकलने से पानी मेल्ट हो जाता है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और वाटर क्रॉसिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो नूबरा से अर्ली मॉर्निंग निकलो, नूबरा से जाते जाते आपको बीच में बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, बहुत सारे मतलब एक तो है, एक तो कन्फर्म है जहाँ पे हम लोग रुके थे, बहुत टाइम के बाद आता है वो, लेफ्ट साइड में है, तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। वहाँ से जाने के बाद में आपको 2-4 बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, मतलब रास्ता है ही नहीं वहाँ पे, सीधे वाटर क्रॉसिंग ही है, तो कभी वाटर मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, बट वहाँ पे आपको ध्यान से गाड़ी चलाना है, आराम आराम से चलना है, ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है,
सिर्फ सिंपल से एकदम स्लो मोशन में चलना है, अपना जो है माइंड दिमाग शांत रख के चलना है, रिस्पेक्ट करना है नेचर की, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, शांति से चलो, एक लाइन में चलो, डिसिप्लिन फॉलो करो, और फिर वहाँ से आप लगभग 12-1 बजे तक आप पेंगोंग पहुँच जाते हो। तो पेंगोंग पहुँचने के बाद भी आपको सबसे पहले तो आपको रूम ले लेनी है, रूम मतलब वहाँ पे टेंट ही है सारे, टेंट या फिर अभी तो थोड़े पक्के वाले बन गए हैं, बट वो भी लकड़ी के और पत्रे के, टीन के ये बने हुए। तो आप कोई भी एक रूम ले लो और फिर नज़ारे का मज़ा लो, और वहाँ से जो जो मेन लेक है, बहुत सारे वहाँ पे होटल्स और वो बने हुए हैं, वहाँ से रास्ता जो आगे जाता है, तो वहाँ पे भी आपको एक लास्ट गांव है वो, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको एक मैं चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप रात में जल्दी सो जाओ, और सुबह वाला जो नज़ारा है पेंगोंग लेक का, वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब वहाँ का जो सनराइज़ है ना, वो इतना खूबसूरत है कि मैंने आज तक ऐसा सनराइज़ कहीं नहीं देखा। जब भी वो सनराइज़ होता है और जब किरणें पड़ती है लेक के ऊपर ना, तो वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो वो एक चीज़ है। फिर उसके बाद आप उसी दिन, या फिर अगर आपको स्टे करना है तो रुक सकते हो वहाँ पे। स्टे का जो है वो 1,500 रुपए से लेकर के आगे स्टे आपको मिलेगा, क्योंकि महंगा है थोड़ा, स्टे ही महंगा है, खाना तो बहुत अच्छा है, सस्ता भी है खाना, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है खाना। और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो फ़ोटो खींचो, मज़े करो लेक के, ये करो। और एक है और चीज़ कि लेक में अंदर मत जाओ ज़्यादा, बहुत खतरनाक है। मेरा लेदर जैकेट था तो हम लोग घुस गए थे अंदर पानी में, घुटने तक पानी तक ही गए थे, बट जैसे ही वो पानी, दोस्तों ने पानी उड़ाया तो बाद में देखा तो वो पूरा खारा सॉल्टी लेक है वो एक्चुअली। तो वहाँ का पूरा जो था सॉल्ट, वो पूरा जैकेट पे लग गया था और मेरा जैकेट ख़राब हो गया था उसके बाद में। तो ये गलतियाँ मत करो। और वहाँ से फिर आप निकल सकते हो दूसरे दिन, या फिर उसी दिन भी अगर आप निकलते हो 12-1 बजे भी निकलते हो, तो आप वाया चांगला पास ले पहुँच सकते हो। तो ये तीन जगह है जो है, नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, खारडुंगला, नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक, ये तीन जगह आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गई एक टेंटेटिव आइडिया कि ले कैसे जाए और क्या क्या देखे वहाँ पे। और अगर कुछ इंथुजियास्ट है और जिनको और एक्स्ट्रा कुछ देखना है, तो आप जब नुब्रा जाते हो तो नुब्रा से एक टर्न आता है लेफ्ट साइड में, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू परमवीर सिंह, थैंक यू सो मच। नुब्रा के लिए जहाँ पे सैंड ड्यून्स वाला जो राइड होता है, बाइक राइड, तो वहाँ से एक रास्ता जाता है सासुमा की तरफ। सासुमा मतलब, सासुमा एक गांव का नाम है, तो सासुमा की तरफ गांव रास्ता जाता है, वो रास्ता जाता है सियाचिन बेस कैंप की तरफ। हालांकि वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग है और रास्ता भी अभी तक ठीक से बना नहीं है, बट अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, पहले नहीं था अलाउ, तो अभी आप जा सकते हो सियाचिन बेस कैंप तक। तो बहुत खूबसूरत जगह है, अपना इंडियन आर्मी किस तरह से वहाँ पे काम करता है वो भी आप देख सकते हो, मतलब इतना खूबसूरत जगह है। तो इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भी जाओ, और जो अनएक्सप्लोर्ड ले लद्दाख है ना, वो भी एक्सप्लोर करूँ। तो देखते हैं, अपना स्विफ्ट डिक्रो को लेके जाएंगे आराम से। तो वो एक जगह है, अगर अगर आप जाना चाहते हो तो, मतलब मैं गया नहीं हूँ इसलिए मैं अभी तक रिकमेंड नहीं करूँगा, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उनके लिए लेह लद्दाख ये 3-4 जगह है जो है, ये सबसे बेस्ट है, और ये आपके लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये बात आप लिख लो। और प्रिकॉशंस के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बच्चे ले जा सकते हैं क्या, छोटे छोटे बच्चे। नीलेश, नीलेश बाबू, बाबा मैं जुपिटर से जा रहा हूँ मुंबई से। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। स्कूटर से भी गए लोग, जुपिटर से भी गए हैं, तो बिल्कुल जाओ, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और मज़ा आएगा काफ़ी। हो सके तो हम भी शायद उसी टाइम मिलेंगे। तो इस बार मेरा प्लान है कि
कि लेह लद्दाख में जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ अच्छे से लेह लद्दाख फिर से एक बार। और अगर कुछ पूछना है आपको तो कमेंट कर सकते हो, मुझे DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा ID है सचिन कुमार पिंगले, तो वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मेरे दो चार जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछा कि हम लोग जा रहे हैं तो कैमरा कौन सा लेके जाए। हालांकि वो लोग यूट्यूबर नहीं है, या फिर वो सिर्फ खुशी के लिए अपने मोमेंट्स कैच करने के लिए कैमरा लेके जा रहे हैं। तो कोई भी आप कैमरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन कैमरा ले सकते हो या फिर आपके मोबाइल से भी आप शूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बच्चों पे दाम है। बच्चे, अगर आपके साथ बच्चे आपके लेके जा रहे हो आप, तो क्या प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों का खाना पीना। बच्चे अगर बाहर का खाना खाते हैं तो फिर आप, इतने बड़े बच्चे हैं आपके, तो फिर आप लेके जाओ। बहुत छोटे बच्चे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि हमारे एक दोस्त है गुजरात के, जो उनकी 4 साढ़े 4 साल की लड़की थी छोटी, उसको लेकर के वो गए थे। मम्मी पापा और वो बच्ची तीनों ही थे, और उनके पास नेक्सॉन थी टाटा की, तो वो आराम से गए थे। हालांकि उन्होंने अच्छे से ट्रिप मैनेज की, नॉलेज था उनको अच्छा, तो बच्चे के लिए उन्होंने पूरी प्रिकॉशन करके रखी थी। तो आप भी मेडिसिन वगैरह वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो अगर कैरी करते हो, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आप प्रायोरिटी पे रखो। एक की जगह 2 सिलेंडर रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब हमने लिया था सिलेंडर और हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट बीच में जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, शायद सरचू के आसपास कहीं रुके थे, तो वहाँ पे एक फैमिली थी और उनमें एक बुज़ुर्ग लेडी थी जिनको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस और हेडेक वगैरह हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनको। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि अरे हमने लिया है ऑक्सीजन सिलेंडर तो यूज़ करते देखते हैं। तो जैसे ही उनको दिया, उनको वो जैसे वो पंप किया, तो उसके तुरंत बाद वो उठ के खड़ी हो गई और एकदम से रिलैक्स हो गई। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर आपके काम नहीं आए तो दूसरे किसी के काम आ जाएगा, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों के लिए आप कपड़े, वार्म कपड़े जो है स्वेटर वगैरह वो रखो, जूते रखो, फिर क्योंकि बर्फ़ में जाओगे तो मतलब इतने ठंडे में जाओगे तो बर्फ़ में घूमोगे फिरोगे मज़े करोगे यार, और ऐसे में किसी का तबीयत बिगड़ जाता है ना, तो सबसे अपनी ट्रिप की वाट लग जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप सारी प्रिकॉशन लेकर के ये चीज़ें करो। और हो गया ये, बच्चों को मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह जो भी है उनकी वो रखो, बुज़ुर्गों को भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही सिनारियो है कि आपको मेडिसिन और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो आपको रखनी है साथ में। और क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, गाड़ी, गाड़ी पे आते हैं अब। जबकि मैं गया था फर्स्ट टाइम, जब गया था मैं तो फ्लाइट से गया था, और वहाँ पे हमने कार रेंट करके वहाँ से घूमे थे, तो वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ गया था। बट जब मैं मेरी खुद की गाड़ी से गया था तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया। जब भी चाहो, जहाँ चाहो आप रुक सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। तो मैं प्रीफर करता हूँ खुद की गाड़ी से जाना। और गाड़ी जब आप लेके जाते हो तो गाड़ी कैसे तैयार करें, तो उसके लिए जो है गाड़ी के टायर जो है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम लोग उसको कभी ध्यान नहीं देते ज़्यादा, बट सबसे ज़्यादा जो गाड़ी और रास्ता होता है उसमें जो अटैचमेंट होती है ना, वो टायर से होती है। अगर आपके गाड़ी के टायर ठीक है तो आपकी गाड़ी ओके है। इंजन वगैरह ये चीज़ तो बाद में आएगी, बट सबसे पहले टायर होते हैं। तो टायर आपकी गाड़ी के नए हो, या फिर एटलीस्ट 10-12 हज़ार किलोमीटर तक चले ऐसे हो, उनके जो थ्रेड्स हैं वो अच्छे हो, और एक पंचर किट कैरी करो। फिर जो हवा भरने का जो मशीन आता है, अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला मिल जाता है, छोटा वाला डब्बा, तो वो भी आप कैरी करो ताकि दिक्कत ना हो। जब हम लोग गए थे तो एक XUV थी, XUV500 थी, और उनका टायर पंचर हो गया था। अब उनके पास स्टेपनी भी नहीं थी। मैंने तो ये भी सोचा था कि हमारी स्टेपनी निकाल के उनकी गाड़ी में लगा दे, बट वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनका हाइट ज़्यादा, वो टायर साइज़ भी बड़ा था उनका और अपना छोटा था स्विफ्ट का, तो
वो भी नहीं कर सकते थे, और हमारे पास कोई पंचर किट भी नहीं था और वो हवा भरने का भी नहीं था। बट ये चीज़ें अगर हम लोग पहले से ही प्रिपेयर करके रखें तो हमें दिक्कत नहीं होती इतनी, और लोग काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ पे। मतलब अगर आप फंस जाते हो ऐसी जगह पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, हेल्प करते हैं आपको, और आपको ऐसे फील नहीं होता, डर वाला ये नहीं होता। एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। संतोष जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ बहुत दिन बाद आया हो। तो एक जगह है, बट ये हमारा छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग गए थे, हमारे साथ फैमिली थी हैरी भाई की, और हम लोग थे, मैं और दुर्गेश थे साथ में। तो रात में हम लोग सरचू में स्टे कर रहे थे, मतलब गाड़ी में ही हमारा बेड वगैरह सब होता है, तो हम लोग गाड़ी लगा के सो रहे थे। तो रात में दो तीन जो वहाँ के लोकल सुमो वाले हैं वो आए और हमें ज़रा डिस्टर्ब करने लगे कि चलो हमारे साथ चलो, निकल जाते हैं यहाँ से वगैरह वगैरह, तो कोई आ जाएगा लूट लेगा ऐसा वैसा। तो हम लोग तो बात कर रहे थे, बट दूसरी गाड़ी से हैरी भाई थे, तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दिया कि अरे कौन है, तो वो लोग डर के भाग गए। बट सीन ऐसा है कि पांग करके जो जगह है, जो कि उपसी से पहले पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़े ठग लोग होते हैं ऐसा सुना है। ये थोड़ा सा एक हमें वियर्ड एक्सपीरियंस था, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। हालांकि जब हम लोग दूसरे दिन सुबह निकले तो वही लोग हमें आगे मिले, और वो भी रात में नहीं गए थे, वो भी वहीं पे रुके हुए थे, आगे जा कर के 2-4 किलोमीटर आगे जा कर के वो भी रुके हुए थे। तो ऐसे है, तो सेफ चलना है तो इसके लिए आप रूम ले लो, रूम सबसे बेस्ट होता है। और प्रिकॉशन के लिए अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो पेपर स्प्रे कैरी करो, पेपर स्प्रे जो होता है वो कैरी करो। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत हो रही है तो पेपर स्प्रे आप स्प्रे करके बच सकते हो। मैं कोई लाठी डंडा या फिर चाकू चूरे रखने की ये नहीं करूँगा, बट पेपर स्प्रे हमेशा रखना चाहिए, हर लेडी ने रखना चाहिए, हर जेंट्स ने रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुसीबत बता के नहीं आती है। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसका एक मैं ये भी बताऊँगा कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है ना, कि पेपर स्प्रे से सामने वाला बंदा कुछ मिनट के लिए शांत हो जाएगा, जबकि उसमें उसको ज़्यादा हार्म नहीं होगा। हाँ अगर आप लाठी काठी या फिर चाकू चूरे से वार करेंगे तो वो आपको केस में फंस जाएंगे आप। तो इसके लिए ये तो सिर्फ़ एक प्रिकॉशनरी के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चीज़ हमेशा अच्छे रखना कि ज़बान पे शक्कर और सर पे बर्फ़ रखना और चलते जाना, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमने जब ऑल इंडिया ट्रिप किया था, मैंने और दुर्गेश ने, तो इतना सारा 15,000 किलोमीटर का टूर था, अपनी स्विफ्ट से गए थे। एक भी जगह ऐसा नहीं था कि जहाँ हमारा किसी से बहस हुआ या फिर किसी से बातावाती हो गई, कुछ भी हुआ, कहीं नहीं, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि हम लोगों ने इतने एक्सट्रीम टेरेन में गए थे, गुजरात से स्टार्ट किया था कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बाद में हम लोग नॉर्थ ईस्ट घूमे थे, पूरा नॉर्थ ईस्ट की जगह भी हमें पता नहीं थी। मौन डिस्ट्रिक्ट, जो मौन टाउन है, बहुत ख़तरनाक जगह बोली जाती है, नक्सलाइट एरिया बोला जाता है। हालांकि हमें आर्मी वालों ने भी डरा दिया था, तो जी सर आर्मी वालों ने भी हमें डरा दिया था, फिर भी हम लोग चले गए आगे। और रात में वहाँ पे जाने के बाद भी एक बार फंस गए थे, बट भगवान का शुक्र है कि हम लोग जैसे जैसे बच गए, नहीं तो उस टाइम पे बहुत दुर्घटना घट सकती थी। रात का बहुत अंधेरा था और बहुत ज़्यादा स्टीप ढलान थी ऐसी, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बट दुर्गेश जो है वो सामने जा करके मुझे गाइड कर रहा था कि आ जाओ नीचे, आ जाओ यहाँ से रास्ता है करके। तो मैंने जैसे गाड़ी नीचे डाली तो गाड़ी रुक नहीं रही थी, और दुर्गेश डर गया कि यार ये इतना फास्ट क्यों आ रहा है, और सामने दुर्गेश गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। जैसे जैसे करके मैंने गियर कंट्रोल करके गाड़ी कंट्रोल किया और वहाँ से हम लोग गए। तो एक्सपीरियंस आते हैं अच्छे बुरे, बट यही चीज़ है कि ज़बान पे शक्कर सर पे बर्फ़ रखो और चलो, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी या फिर अच्छे से बिहेव करेगी। आप अच्छे तो दुनिया अच्छी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था लेह लद्दाख के बारे में, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल
इतने ज़्यादा टूरिस्ट और इतने ज़्यादा लोगों में क्रेज़ बढ़ गया है ना लेह लद्दाख के बारे में कि हर कोई जाना चाहता है लेह लद्दाख। और जो फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ शेयर करो सबके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं मैंने बताई हुई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। और कुछ भी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो एनी टाइम, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ और हर डीएम का भी मैं आपको जवाब दूंगा। और क्या रह गया, और क्या रह गया लेह लद्दाख के बारे में, ठंड के कपड़े हो गए, गाड़ी, हाँ डीजल वगैरह, आपको एक्स्ट्रा डीजल कैरी करने की ज़रूरत अगर है तो आपकी गाड़ी के हिसाब से देखो। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेडान कार के बारे में लोगों के सवाल है बहुत सारे कि सेडान कार जा सकती है क्या। सेडान कार मतलब जो थ्री बॉक्स कार होती है, बड़ी कार होती है जिसके आगे इंजन वाला एक सेक्शन होता है, पीछे डिग्गी वाला सेक्शन होता है, उसको सेडान कार बोलते हैं। तो वो कार जा सकती है क्या? तो हाँ जा सकती है। जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक स्कॉडा भी थी और एक अमेज भी देखी थी हमने जो कि आराम से जा रही थी, और वो भी पैंगोंग में। तो वो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है फिर भी वहाँ पे गाड़ी जा रही थी। तो आप जाने के लिए जा सकते हैं, बट सिर्फ प्रिकॉशन ये रखना है कि आपको जब भी आपको वाटर क्रॉसिंग या फिर थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप रोड मिले तो आप जितने बंदे हैं उतने उतार दो, ड्राइवर रखो साथ में, और फिर आराम से धीरे धीरे करके गाड़ी निकालो। क्योंकि नीचे से लगने का डर होता है, क्योंकि जो सेडान कार होती है उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, तो उतना ग्राउंड क्लियरेंस सफिशियंट नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे मिनिमम 165 180 ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी आराम से जाएगी, वैसे अल्टो भी चली जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह से ड्राइव करते हो। तो नशा ना करे, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, वो भी नहीं ले सकता। तो ये चीज़ है। और दो चार चीज़ें ऐसी है मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाली में एक किस्सा हुआ गोवा में। कुछ लोग थे जो टूरिस्ट थे जो आए थे गोवा घूमने के लिए, और उनको किसी बीच पे जगह मिल गया गाड़ी उतारने के लिए। तो उन्होंने, क्रेटा थी उनके पास, तो उन्होंने उतार दी गाड़ी वहाँ पे और चक्कर लगा रहे घूम रहे घूम रहे, और अचानक से गाड़ी फंस गई उनकी। तो फंस गई तो इतनी डीप चली गई कि आगे का जो बोनट था वो ऑलमोस्ट आधा आधी गाड़ी जो थी वो घुस गई अंदर, और तभी हाई टाइड आ गया तो गाड़ी भी ऑलमोस्ट डूब ही गई थी उनकी। और ऊपर से जो पुलिस ने चालान किया वो अलग से, हरेशमेंट हुई वो अलग से, और अपनी मस्ती के लिए दूसरों को तंग करना बिल्कुल गलत बात है। और मस्ती भी करो यार, ठीक है मस्ती करना गलत बात नहीं है, बट दूसरों को तंग ना हो या फिर कोई लॉ ब्रेक ना होना, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे भी, लद्दाख में भी आपका मतलब माइंड ये हो जाएगा कि यार इतना अच्छा टेरेन है, गाड़ी दौड़ाओ या फिर इधर घुसाओ, इधर रेत में डालो, ऐसे करो वैसे करो, करना नहीं है। ये लाल बटन दिख रहा है, दबाओ, दबाना नहीं था, उस टाइप का सीन है। तो आपके मोह माया को जरा दबा के रखो, कंट्रोल करो। हाँ थैंक यू ब्रो, होप वहाँ मीटअप होगा अपना, वेटिंग फॉर योर ट्रिप। श्योर नीलेश भाई, पक्का। और हाँ तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स है ना, तो सैंड ड्यून्स में ऐसे लगता है कि चलो यार यहाँ से निकल जाएगी। हालांकि बहुत जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फोर व्हील ड्राइव वाली, फॉर्चूनर, थार, गुरखा वगैरह हो गई, ये भी वहाँ पे जा नहीं सकती है। मतलब वो सैंड ड्यून्स में जाने के बाद में वो भी फंस जाती है। तो इतना रिस्क नहीं लेना है यार, क्यों क्यों फालतू में इतना रिस्क लेना है ना। तो अगर, और ऊपर से पुलिस की हमेशा वहाँ पे, हम ही वर्षा गुड़े, थैंक यू मितेश सोलंकी भाई, थैंक यू भाई ज्वाइनिंग के लिए। लाइक कर दो यार, 11 लोग हैं तो लाइक कर दो। और हाँ रिस्क ना ले, सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी जान, जान है तो जहान है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। जहाँ तक आप गाड़ी खींच सकते हो वहीं पे खींचो, अदरवाइज़ आप फालतू की डेयरिंग मत करो। बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, बहुत सारी पेनल्टी फाइन हो रहा है लोगों को, तो बचो इस चीज़ से। लोग जाते हैं फन के लिए, मज़े करने के लिए, बट ये गलत चीज़ है। जाओ और अपनी गाड़ी घुसा दो, एक
एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था जब मैं अलीबाग में किसी एक बीच पे हम लोग गए थे और बच्चे थे साथ में, फैमिली के साथ में गए थे हम लोग। तो ऐसे जोश में मैंने वो वहाँ पे तो पूरा बीच पे गाड़ी अलाउ थी तो मैं घुस गया। जयेश भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सेम सिनारियो मेरे साथ भी हुआ, जैसे मैंने गाड़ी नीचे डाला मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रेत जो है वो सॉफ्ट है, मतलब धंसने वाली है। जैसे जैसे मैं आगे गया ना तो गाड़ी धस गई पूरी, और मैं रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी नीचे धस रही थी। तो जैसे जैसे मैंने रिवर्स करके ऐसे सामने ला के खड़ी कर ली, वहाँ से गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से बारिश हो रही है और परेशान हो गए। तो हमने तुरंत जा करके एक होटल था वहाँ पे बच्चों को और सबको रखा, फिर एक ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किया, ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर ने खींच के गाड़ी बाहर निकाला और वहाँ पे मेरा खर्चा हो गया 1-1.5 हज़ार रुपये उसको देने पड़ गया। तो ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सीख थी कि ऐसे रिस्क फालतू में ना लें। ये रिस्क मैंने क्यों ली, कैसे ली, क्योंकि इससे पहले मैं एक पालघर में गया था, एक बीच पे, एक दोस्त के फार्म हाउस पे। तो वहाँ का जो बीच है ना वो उसका जो रेत है वो बहुत हार्ड वाला है, मतलब स्टिकी रेत है वहाँ का। तो वहाँ पे गाड़ी फंसती नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे फंसती नहीं है। तो हमें अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का, हम लोग जोश में वो चीज़ कर देते हैं बट हमें इस तरह से वो भुगतनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर आपके साथ फैमिली है तो बिल्कुल भी आप ऐसे रिस्क ना लें। तो ये चीज़ें हो गई, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक प्रूडेंट मैन करता है, उस तरह से आप अगर करते हो तो आराम से आपकी जो ट्रिप है मस्त होने वाली है। और क्या, हालांकि हम लोग जो ट्रिप करते हैं, मतलब मैं, तो वो बहुत बजट ट्रिप होती है। हम लोग कार में सारा सामान कैरी करते हैं। हाँ, एक और चीज़, आपको अगर आप अब खाने पीने के सामान लेके जाते हो, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं कि गैस लेके जाए, चूल्हा लेके जाए, ये वो सारी चीज़ें, बट अटल टनल के पास जब आप पहुँचते हो ना तो वहाँ पे चेकिंग होता है। शेखर दरवे जी, सचिन भाऊ अपना नवीन वीडियो ची वाट पाते लवकर से, शेखर भाऊ थांबा थोड़ा मी थोड्या गडबडीत आहे अजून। जॉन सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो मैं कहाँ था, ले भूल गया मैं, क्या मेरी मेमोरी को क्या हो गया। हाँ तो कहाँ पे था मैं, अटल टनल। हाँ थैंक यू सर। हाँ तो आप अगर गैस सिलेंडर अगर ये कैरी करते हो ना तो ये वहाँ पे आपका खाली कर देते हैं, वो आर्मी वाले जो बंदे हैं ना वो खाली कर देते हैं। तो बेटर वे, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है आपके लिए भी। क्या होगा कि अगर अटल टनल में जाने के बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो फूट गया, तो इतनी सारी जो मेहनत है गवर्नमेंट ने की हुई वो सारी वेस्ट हो जाएगी और फिर से वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, सारे लोगों की सेफ्टी के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप देखो, मतलब ये सबको पसंद आया ऐसी बात तो नहीं है, हमने एक बार किया है ऐसा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हम लोग जब गए थे तो हमने कोल वाला जो सेगड़ी होता है ना वो कैरी किया था, चारकोल वाला सेगड़ी था। तो कोयला रखा हुआ था साथ में, हमने 2-5 किलो कोयला था, इतना बैग था उसका, कैरी बैग में रखा हुआ था। तो हवा बहुत चलती है तो आराम से कोयले का सेगड़ी जल्दी से जल जाता है, और वो कोई फ्लेमेबल भी नहीं है तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मतलब पेट्रोल डीजल जैसा नहीं है और गैस जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप कोयले का सेगड़ी लेके जाओ आराम से, मस्त उसका भी एक अलग ही टेस्ट और अलग ही मज़ा आता है। तो वो लेके जाओ, वो सबसे बेस्ट है। और ब्यूटेन के सिलेंडर आते हैं, गैस के वो छोटी हांडी आती है जो कि हमने भी कैरी की है बहुत बार, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि जो बाइकर्स होते हैं वो लेके जाते हैं ब्यूटेन सिलेंडर और छोटा वाला गैस होता है वो, तो वो भी शायद वहाँ पे सीज हो जाते होंगे। तो क्यों अपना खर्चा करना है, बेटर वे आप लकड़ियों पे पका लो खाना या फिर कैरी कर लो, खाना ही कैरी कर लो वो बेटर है, या फिर होटल तो बहुत सारे हैं। बट आपको अगर थ्रिली चाहिए, मज़ा चाहिए, अच्छे से आपको खुद को कुक करके खाना है तो आप कोल वाला सिगड़ी लेके जाओ। हमने कोल वाला सिगड़ी लेकर गए थे और
मनाली में नदी के किनारे हमने कैंपिंग किया था। थैंक यू सो मच सर। मनाली में हम लोगों ने नदी किनारे कैंपिंग किया था, तो इतना मज़ा आया था उस दिन पे। हम लोगों ने खिचड़ी बनाया था, बिरयानी बनाया था, सॉरी बिरयानी बनाया था मस्त। और बिरयानी बनाने के बाद में वो भी कोयले के सिगड़ी पे बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। दूसरे दिन भी हमने सुबह सुबह उसमें चाय बना के पिया था। आय हाय हाय क्या बात है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता। आपका प्लान कर रहे हो आने का महेंद्र जी, बहुत बहुत जल्दी प्लान करूँगा। एटलीस्ट ये मंथ में तो पॉसिबल नहीं, बट नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। मेरा नेक्स्ट मंथ तो 100% करना ही है, तो क्योंकि मेरा घर में ज़्यादा दिन तक पाँव टिकता नहीं है, और ये थोड़ा मेरा शिफ्टिंग का चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा फंस गया हूँ। तो ये जैसे ही मेरा सेटल हो जाता है, कुछ काम पेंडिंग है वो पेंडिंग काम ख़त्म करके। एक्चुअली होता क्या है कि मेरी बैटरी लो होने में आई है। होता क्या है कि एक साथ में इतने सारे काम, फुल टाइम तो यूट्यूबर नहीं है, यस एग्जैक्टली आपने सही कहा, पक्का पक्का सर, पक्का जाएंगे दिल्ली में। इस बार जो आऊँगा तो दिल्ली आना है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे जो फ्रेंड है मेरे, उन्होंने इनवाइट किया है, तो उनसे भी मिलूँगा और आपसे भी पक्का मिलूँगा। तो गैस सिलेंडर पे थे, अटल टनल पे थे हम लोग, तो गैस सिलेंडर कैरी मत करो, खाना पीना कैरी करो। और होटल बहुत चीप है, और मैं एक चीज़ करता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ ना, ट्रैवल करता हूँ ना, तो उस जगह का लोकल खाना आप ट्राई करो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वहाँ का खाना अमेजिंग है, मतलब जो वहाँ पे एक बटर टी करके मिलता है, बटर टी एक बड़े से थर्मास जैसा लकड़ी का होता है, और उसमें वो बटर डाल के ऐसे ऐसे करके वो बनाते हैं, अमेजिंग टेस्ट है उसका, वो ट्राई करो। सॉल्ट टी होता है, वो ट्राई करो, नमक वाला चाय। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हो तो उनकी तो चांदी है, कोई टेंशन नहीं है। और यही है सारी प्रिकॉशन, और क्या हो सकता है। फर्स्ट एड किट कैरी करो, फर्स्ट एड किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, फर्स्ट एड किट हो गई, कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई। गाड़ी का जब भी आप निकलते हो तो गाड़ी का फुल सर्विसिंग आप करवा लो, मतलब इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक पैड, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक पैड होता है। ब्रेक पैड आपके अगर घिसे हुए हैं गाड़ी के तो वो चेंज करा लो, हालांकि जब भी वो चलेंगे, अभी मतलब मैकेनिक अगर बोलता है कि चल जाएगा, देख लो 2000 3000 चल जाएगा, तो वो भी काफ़ी नहीं है। टेरेन बहुत टफ है, तो उसके हिसाब से आपको नए ब्रेक पैड हो तो बहुत अच्छा है। तो सर्विसिंग जो है गाड़ी का वो करके आप अगर निकलते तो टेंशन फ्री आप जा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और एक मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी जाते हो सके तो पौधे लगाते जाओ, पेड़ लगाओ, हमारा मिशन ही है। हम लोगों ने जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग पेड़ लगाते हुए जाते हैं, पौधे लगाते हुए जाते हैं, बीज लगाते हुए जाते हैं। तो इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि जब भी जाऊँगा तो बीज लगाऊँगा और पेड़ लगाऊँगा, अवेयरनेस करूँगा। बहुत लोगों ने, जब लास्ट टाइम हमने मिशन किया था ऑल इंडिया ट्रिप का, तो जब लद्दाख में पहुँचे हम लोग तो बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ पे कौन से पेड़ आने वाले हैं। वहाँ पे पेड़ आएंगे नहीं आएंगे वो बात अलग है, बट वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, तो हम लोग उनको अवेयर कर रहे थे, उनको बीज दे रहे थे कि यार आप लोग जहाँ से भी हो वहाँ पे जाते जाते बीज लगा दो। तो एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से कि हम लोग बीज लगाते हैं, और अच्छी चीज़ है। नेचर का रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का आदर करो, बस और क्या। यही था, बहुत लंबा चल गया लाइव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग इतने ज्वाइन हुए और इतना सपोर्ट किया, तो ये छोटी सी एक अपडेट थी लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में। और अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करो, डीएम करो, मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मुझे आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जयेश भाई। बहुत जल्दी मिल रहे हैं जयेश भाई। तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ जाने के लिए। अरे भाई अभी लगाया है मैंने चार्जिंग में, तो मेरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है। तो चलो ये एक लाइव मैंने की थी, तो ख़त्म करते ही इसको, मिलते हैं जल्दी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, सैनिटाइज करते रहना, हो सके तो एक पौधा ज़रूर लगा देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।